लेकिन आज जो का जो इशू है वो वंचित वर्ग के साथ साथ इस देश के तमाम नौजवानों से जुड़ा विषय है। मैं खुद एक नौजवान हूं और बेरोजगारी के दर्द को समझता हूं। मैं अभी राजस्थान गया था, वहां 2 जुलाई को आंदोलन है, वहां पर भी नौजवान अपनी नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे आज भी याद है कि एसएससी जीडी के बच्चे जिनके साथ मैं दिल्ली में शामिल हुआ था, वो भी आज आंदोलन कर रहे हैं, वो पैदल मार्च कर रहे हैं कि उनको नियुक्तियां मिल जाए नागपुर से दिल्ली। और गर्मी देखिए, ऐसी गर्मी में वो बहन और भाई छोटे किस तरह से जो है अपनी हक की आवाज को उठा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इशू पे, एक बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ है, सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है अग्निपथ, और एक नया नाम भारतीय सेना के वीरों को, वीर सपूतों को दिया गया है अग्निवीर। भारत सरकार की नई योजना अग्निवीर, पिछले 2 दिन में जो मैंने हालात देखे, मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए अपने भाइयों से बात करने की। अगर हम बात करें अग्निपथ की, उससे पहले हम बात करें कार्यकाल देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो पिछली सरकारों में रोजगार नहीं मिल रहा था और रोजगार कम था, इस वजह से सरकार ने युवाओं को झूठे झांसे दिए, भरोसे दिए और कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। नौजवानों को लगा कि भाई ठीक है, बेबस परेशान नौजवान सरकार पे भरोसा कर दिया। फिर 2019 तक 5 साल की सरकार निकली, लेकिन भर्तियां नहीं निकली। इसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ी, दोबारा से जनता ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, या विपक्ष से बिखराव, या और जो ईवीएम में तमाम तरह का दुरुपयोग जो है किया गया, उसके जरिए फिर सरकार सत्ता में आई। इस बार नौजवानों को विश्वास था कि उनके लिए रोजगार पे कुछ होगा, और जब भी वो रोजगार की बात करते हैं तभी सरकार में धर्म की चाशनी जो है वो चटाने का काम करती है। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, सरकार ज्ञान व्यापी की बात कर रही है, ताजमहल की बात करवा रही है, नुपुर शर्मा की बात करवा रही है। इसी बीच हमारे रक्षा मंत्री आते हैं और इस योजना की बात करते हैं। बेसिकली ये योजना है क्या और इस पे बवाल क्यों मचा है? बवाल ये है कि 4 साल के लिए सेना में नियुक्तियां होंगी, और उसके बाद उन लोगों में से जैसे 50,000 भर्ती होती है, तो 46,000 लोगों को वापस लौटा दिया जाएगा और लगभग 4,000 लोगों को एक लाख, सोचते हैं पर दोबारा समझा, 1 लाख अगर भर्तियां आती हैं तो 75,000 को लौटा जाएगा, 25,000 को रखा जाएगा। और फिर सरकार अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपनी केंद्र से जुड़ी भारतीय जनता पार्टी सरकारों से ये भी वो करा रही है कि जब नियुक्तियां आएंगी तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो लोग वहां से वापस आ जाएंगे उस नौकरी से, जिनको हटा दिया जाएगा, जो रिटायर हो जाएंगे उन 75,000 लोगों को प्रिफर दिया जाएगा। लेकिन ये बातें हवा हवाई हैं, क्योंकि पहले से सरकार नौकरियां ला रही है, जितनी नौकरी ला रही है उनमें घोटाले हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितना समय सरकार कह रही है कि नौकरी करने को देंगे, इतने समय तो युवा जो है देश प्रेम और देशभक्ति और देश की सेवा के लिए तैयारी करता है। नियुक्तियां नहीं है, नौकरी नहीं है, एक डिफेंस, मैं नौजवानों का बड़ा की दिलचस्पी है, वो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं, 4 मिनट में 1600 मीटर कवर करने का प्रयास करते हैं, और एक बच्चे से उसके सिर्फ वो खुद नहीं, उसके परिवार के भी सपने जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ तो जो लोग बड़े पैमाने पे सेना में जाना चाहते हैं, उनके परिवार के लोग अपनी जमीनें बेच बेच के अपने बच्चे के लिए तैयारी कराते हैं, और सरकार एक लाइन से इसको ठेकेदारी व्यवस्था बना देना चाहती है, संविदा व्यवस्था बना देना चाहती है, इसका निजीकरण कर देना चाहती है,
और ये सरकार की सोची समझी साजिश। पसीने का कारण ये है कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ लाइट नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का सच भी है। तो जिस विषय पर मैं बात कर रहा था वो ये है कि ये नौकरियां जो डिफेंस में होती है, जिसमें पूरे देश से नौजवान इंतजार करता है कब सेना में भर्ती आएगी और उसको देश सेवा करने का मौका मिलेगा। नौकरी के साथ उसकी उसकी भावनाएं भी होती, देश प्रेम की, देश के लिए मर मिटने की। अगर 1 करोड़ वैकेंसी निकलती है तो मैं मानता हूं 10 करोड़ नौजवान जो है उसके लिए तैयार है, और वो मिलेगा आपको लाइन में खड़ा हुआ नौकरी की चाहत में। और एक क्रेज है, मैंने तो नारे सुने हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो, विजय वीरगति। हम पुराने इस देश में जब सिनेमा का जो कल्चर है, पिक्चरों में देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना दिखाते हैं, उसके अनुसार नौजवान तैयार होता है देश में। और पूरा यह है कि सरकार इसके साथ मजाक कर रही है। ये मजाक सिर्फ सेना के साथ नहीं है, देश की सुरक्षा के साथ भी मजाक। ये मजाक है युवाओं के भविष्य के साथ। ये एक तरह का जो है सेना को डिस्टर्ब करने का काम है। और देश जो इतना इम्पोर्टेंट है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि हम प्रथम बनते भारतीय हैं, उस देश की सुरक्षा के साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ है कि 4 साल बाद 75% लोगों को निकाल देंगे, 25% लोगों को रख लेंगे। उन 75% लोगों के लिए यहाँ कौन सी नौकरियां रखी है, कौन सी सरकार नौकरियां निकाल रही है? तो ये इस देश के युवा को बर्बाद करने की साजिश है। मेरी अपने युवा भाइयों से अपील है, जो 2 दिन का मैं उनका संघर्ष देख रहा हूं, कि वो अपने आंदोलन को, ठीक है आप इस बात से निराश हैं और ये गलत भी है, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, मैं भी आंदोलन के लिए आपके साथ तैयार हूं, मगर मेरी आपसे अपील है कि लोकतंत्र में आंदोलन करने के तरीके संवैधानिक रूप से अपने आंदोलन को चलाइए। यही सरकार जहां देशभक्ति और देश राष्ट्र प्रेम के लिए जो है सेना में जाना चाहते हैं, यही आप पे झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज देगी। क्योंकि सरकार जो जनता चाहती है वो नहीं देती। जैसे किसान नहीं चाहते थे कि उनको इनके उनके लिए बिल आए, लेकिन किसानों पर जबरदस्ती बिल ये थोपा गया, इसलिए किसान लड़े। व्यापारी नहीं चाहे जीएसटी, जीएसटी थोपा गया। आम जनता नहीं चाहती थी कि नोटबंदी हो, लेकिन थोपी गई। बहुत सारी ऐसी बातें, अब युवाओं के ऊपर सेना में थोपा जा रहा है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। मैं आपके गुस्से, आक्रोश, आपके दुख का, आपकी निराशा, हताशा को समझता हूं एक नौजवान होने के नाते, लेकिन मैं एक भाई होने के नाते आपसे अपील करूंगा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के संवैधानिक तरीके हैं, उसके जरिए आप लोग बड़े से बड़ा आंदोलन करें। आप अपने प्रदेशों में करें, संयुक्त रूप से देश के अंदर दिल्ली में आके करें, किसानों की तरह आंदोलन करें, संवैधानिक आंदोलन करें, लेकिन हिंसा से बचें। आज आप, आपका ये सरकार है जबरन आप पे झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज के, हमेशा ये पिछले 8 साल में देखा गया कि अन्याय की आवाज, अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग करती है। मैं ये भी समझता हूँ इन्हीं के लोग आपकी भीड़ में घुस के पथराव कर देंगे, गाड़ियां जला देंगे और आपके ऊपर इल्जाम आ जाएगा। मैं क्योंकि आंदोलन करता हूं तो मैं सच को जानता हूं, सरकार किस तरह से आंदोलन को बदनाम करती है। मेरी आपसे अपील है, लोकतंत्र है, संविधान है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन, बड़े से बड़ा आंदोलन कीजिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन। क्योंकि ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, इससे खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम सब लोग आपके साथ। लेकिन अपने आंदोलन को संवैधानिक रूप से चलाइए, अपने आंदोलन को मजबूती से चलाइए, अपने आंदोलन को ताकतवर बनाइए। अगर आपका आंदोलन सरकार हिंसक बना देगी तो आपके आंदोलन क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी। तो मैं आपसे अपील करूंगा, और मैं सरकार को भी एक सुझाव देता हूं। पहले मेरी अपील युवा साथियों से, हिंसक आंदोलन से बचें, मजबूत आंदोलन करें, देशव्यापी आह्वान करें, दिल्ली में आके आंदोलन करें या अपने अपने प्रदेशों में आंदोलन करें, लेकिन आंदोलन के अनुसार आंदोलन करें, अपनी मांग रखें, सरकार से बात करें, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें, तमाम तरह से जैसे पहले आंदोलन होते आए इस तरह से आंदोलन करें। लेकिन जिस तरह से, और एक जो मैंने महसूस किया, जितने बच्चे नौजवान सुसाइड कर रहा है, तो ये सुसाइड हल नहीं है भाई,
मैं समझता हूँ कि आपके सपने टूटे हैं, आपके माँ बाप ने किस तरह सपने देखे होंगे। मैं ये भी समझता हूँ किस तरह से नौजवान बाहर रह के तैयारी करता है, किस तरह से जो है भूखा रहता है, कभी जेब में पैसे नहीं होते, खाने का मन होता है, कभी जो है ट्रेन में फ्री सफर करता है, टिकट नहीं लेता क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते हैं, कभी अपने सपनों को मार लेता है, कभी अच्छे कपड़े नहीं होते, कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कहीं आना जाना होता है, उन सब चीजों पे भी समझौता कर लेता है, लेकिन वो प्रयास करता है कि वो जो तैयारी कर रहा है उसको मौका मिले। मैं आपसे इस अपील करूंगा कि कुदरत ने आपको जिंदगी दी है, मेरा पुनर्जन्म में कोई भी इस बात नहीं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर नहीं करते थे, बुद्ध नहीं करते थे, रविदास कभी नहीं करते थे, हमारे महापुरुष। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसी गलती ना करें आत्महत्या की। बड़े पैमाने पर नौजवानों के बारे में जानकारी आ रही, मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि भाई ऐसा ऐसा ना करें, आप सबसे मेरी अपील है कि इससे बचें, आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो आपके आपके माता पिता भी आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको पाल के बड़ा किया है, इसलिए थोड़ा कि आपका उनका बच्चा मर जाए, वो बहन भी आपका इंतजार करती होगी, आपकी माँ, आपकी आपकी भाभी, आपकी भाई, आपके चाचा ताऊ, बहुत सारे सपने होंगे उन लोगों को, लेकिन जब आप रहेंगे नहीं तो ये तो खराब हो जाएगा ना। तो मेरी आपसे अपील है, विनम्र निवेदन कि ऐसा गुस्से में, निराशा में, ऐसा आक्रोश में ऐसा कोई कदम ना उठाए कि आपका जीवन ही आप समाप्त कर लें। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्वीकार करें, आप नौजवान हैं, आप देश की रीढ़ है, सरकार खिलवाड़ कर रही है, आप अपने आंदोलन को मजबूती से चला सकते हैं, आ ये तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े तानाशाह झुके हैं सरकार। अब मेरा सरकार को सुझाव है, अगर सरकार करना ही चाहती है तो कम से कम 10 साल का समय जो है इस नौकरी में थे, उसके बाद भी सरकार इनको कम से कम रोजगार की गारंटी कुछ तो दे। अब जो युवा तैयार होकर जाएगा, अगर वो उसका जीवन वहां समाप्त हो जाता है इस 4 साल की नौकरी में, तो उसके परिवार का क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी तक तो ऐसा कोई कोज में क्लोज मैंने पढ़ा नहीं है कि भाई अगर इस बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। अस्थायी है तो आप वो अस्थायी नहीं है तो आप शायद वो सुविधाएं भी ना दो। और नौजवान आप तो पूरे देश में बीजेपी स्लोगन दे गई वन रैंक वन पेंशन, और अब तो आप पेंशन और नौकरी दोनों लूटने काम कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से अपील है, अगर सरकार इसको करना ही चाहती है तो इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि जब 17-18 साल का नौजवान इसमें शामिल हो जाएगा और 20-22 साल में घर आ जाएगा तो वो करेगा क्या यहाँ, यहाँ कौन सी नौकरियां रखी हैं? तो इसलिए सरकार युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें, सेना के साथ भी खिलवाड़ ना करें। 4 साल के में जो ट्रेनिंग पीरियड आपने रखा, कितना अनुभव होगा उसके पास? और अगर ऐसा कोई मौका आ जाता है कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए दुश्मन से कोई विद्रोह विरोध हो जाए या कोई आक्रमण हो जाए, तो वो कैसे उसका सामना करेगा? ये जो मजाक किया है कुछ सरकार ने, जैसे मध्य प्रदेश यूपी सरकार की, भाई उनको हम प्राथमिकता देंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ नौकरियां नहीं है। सरकार बीजेपी की सरकार हमेशा जब भी सत्ता में आई इसने सरकारी नौकरियों को सरकारी सिस्टम खत्म किया है। ये तो एक विचारधारा के लोगों को वहां स्थापित करना चाहे, जिस तरह से जिससे ये कमजोर शोषित वर्ग और गरीबों का एक्सप्लोटेशन कर सके, उनका शोषण कर सके, और कुछ चंद लोग के हाथ में इस देश की पावर को देना चाहती है, लेकिन वो बहुत दिमागदारी से कर रही है, टुकड़े टुकड़े करके सबका इलाज कर रही है, कभी किसानों का, कभी मजदूरों का, कभी नौजवानों का, कभी महिलाओं का, वो सबका शोषण कर रही है, लेकिन जब वो किसी एक का शोषण करती है तो दूसरे को दिखाती है कि आपके फायदे के लिए, और फिर इस देश का ये ब्राह्मणवादी मनु मीडिया जो है, ये फिर ये उनकी बात को, उनके झूठ को भी साबित करने में लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के सरकारी सिस्टम को बर्बाद करने का, और इस देश के सिस्टम में जो नौजवान उम्मीदें देखता है, सपने देखता है, उसके सपनों को कुचलने का, उसके भविष्य को खत्म करने का। सरकार कैसे नौजवानों को मरने के लिए छोड़ सकती है? सरकार नौजवानों से बहुत उम्मीदें और बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, रैलियों में बड़े बड़े नौकरियों के भरोसे दिए जाते हैं, लेकिन जहां पेपर लीक होते हो, जहां तमाम तरह से जो है सरकारें के संरक्षण में जो है न्यायपूर्ण जो है कार्रवाइयां ना होती है, वहां उस उसमें, और इतने बड़े पैमाने पर देश के अंदर युवा है, उसके साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है? मेरी आपसे अपील है, युवा भाइयों से दोबारा से अपील कर रहा हूँ, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, अपने जीवन को समाप्त ना करें,
आपके परिवारों के बहुत सारे सपने हैं, उनको आपकी जरूरत है, ऐसा ना करें। दूसरा, आप अगर आंदोलन करना है तो हिंसक आंदोलन से बचें। सर मैं समझता हूँ आपके आंदोलन में सरकार के लोग शामिल होकर आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसको हिंसक कर देंगे, जैसा अभी पिछले कुछ आंदोलनों में देखने को मिला, और फिर आप पे झूठे मुकदमा लगा के सरकार जेल भेज के आपका जीवन खराब करेगी। मैं आपसे अपील करूंगा कि इससे बचें, और अगर आंदोलन करना संवैधानिक तरीके से आंदोलन करें, चाहे वो प्रदेश स्तरीय करें या राष्ट्र स्तरीय करें, तो मेरी आप सबके लिए मंगल का आशा और मेरा विश्वास है कि आप मेरी बात को समझेंगे। और सरकार से मैं फिर निवेदन करता हूं कि कम से कम 10 साल की इसकी अवधि की जाए, अगर आपको कुछ नया भी करना है वर्त समय के परिस्थितियों के हिसाब से, तो कम से कम 10 साल की गारंटी तो उसको मिलनी चाहिए। ये गलत है, और ये जो आप सेना में डिफेंस में ठेकेदारी प्रथा निजीकरण ला रहे हैं, इसका इससे देश को नुकसान होगा। हम प्रथम अनुत भारतीय हैं, इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि आग में खेलने का आग से खेलने काम ना करें, इसमें आपके हाथ भी जल सकते हैं। मुझे आपसे ज्यादा इस देश की और देश के युवाओं की कमजोर सुस्त चिंता, इसलिए मैं अपील कर रहा हूं, वरना युवा तो आक्रोश में है और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर इसलिए अपील कर रहा हूं क्योंकि हम प्रथम अनुत भारतीय हैं, और इस देश की सारी जो सरकारी संपत्तियां हैं, या इस देश का जो नौजवान है, इस देश की रीढ़ है, उनको मैं उनमें से एक, और मुझे उनसे प्यार है, इसलिए मैं अपील कर रहा हूं। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है, आशा विश्वास कि आप मेरी दर्द को और वर्तमान के हालात को समझेंगे, और मजबूती से अगर अपनी बात रखनी तो आंदोलन एक जरिया है, संवैधानिक आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन। लेकिन ये जो खिलवाड़ है, सरकार इसको रोके, प्राइम मिनिस्टर इस पे अपनी बात रखें, वर्तमान की स्थिति को संभालने का काम करें। आम आदमी का नुकसान हो रहा है, आपकी निजी स्वार्थ, आपकी निजी महत्वाकांक्षा है, और आपकी अपनी विचारधारा को स्थापित करने की इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर देश का नुकसान हो रहा है। इस बात को भी सरकार समझे, राजनीति से ऊपर उठ के सरकार ये भी समझे कि इस देश को भी सलामत रखना है, देश की एकता अखंडता को भी जो है ना बना के रखना है, उसको खंडित ना करें अपने निजी स्वार्थ में। मैं समझता हूं कि आपके पास बल है, आप गोली भी चलवा सकते हो, लेकिन चलवाओगे किस पे? अपने ही देश के नागरिकों पे, अपने देश के युवाओं पे, रीढ़ पे। तो ये अन्याय है, और युवा इस अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाए, क्रांति करें, आंदोलन करें संवैधानिक तौर पर, हम सब उनके साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार।